उसका रेटिंग जो है वो 10 ऊपर नीचे रहता है। गर्मा गर्म छना हुआ जलेबी खाने का मजा ही कुछ और है। मुंबई में बिल्ली आपसे नहीं डरती है, मगर बिहार में बिल्ली की फटती है हमसे। दादी को ऐसे में छाते में कवर करके ले चल रहा हूँ और मेरे कल जाने की तैयारी मम्मी कर रही है। बट एक बैड न्यूज है, कांड हो गया है, कांड। दादी चलो, फोन आया, उन लोग आ गए, निकलो। अब तुम्हारे तरकारी के चक्कर में वो आदमी आके बैठ गया। सुबह सुबह 6 बजे ही दादी मेरे पास आके बोल रही है कि चलो चलो उठो उठो, इसका आज थोड़ा शुगर टेस्ट कराना है। इसके लिए 6 बजे कौन सा लैब ओपन होता है जहाँ पे इसका ब्लड जाके मैं दूँ। फिर मैंने उनको कॉल किया, भैया को बोला कि भैया थोड़ा जल्दी खोल दीजिए, ओल्ड एज है, इसका शुगर टेस्ट कराना है। अब देखिए जब वो फोन कर रहे हैं मुझे कि वो आ चुके हैं, तब ये अभी सब्जी बना रही है। Hey guys, welcome back to the vlog. आज मेरा आखिरी दिन है गया में और मैं दादी को लेके जा रहा हूँ फाइनली, इसका ब्लड टेस्ट करा देता हूँ, शुगर वगैरह, और उसके बाद मैं जलेबी खरीदूंगा और खाऊंगा और दादी को ललचाऊंगा। तब दादी, डर लग रहा है तुमको इंजेक्शन से? यहाँ पर तुमको डलेगा और इसमें से खून निकल जाएगा। हाँ मशीन दे रहे हो ना, मशीन वाला। लेकिन उसका रीडिंग जो है वो 10 ऊपर नीचे रहता है, तो वही वाला से करवाते हैं। देखिए दादी का ये वाला नस है, इसमें डाल के इंजेक्शन पूरा खून निकाल लेंगे। जब से मैं गया आया हूँ तब से मैं रोज सोचता था कि जलेबी खाऊंगा, मगर खा नहीं पाता था। इसीलिए अभी दादी को वहाँ पे मैंने ब्लड टेस्ट के लिए रखा और यहाँ आ गया हूँ जलेबी लेने के लिए। छन रहा है, गरम गरम लेके जाएंगे। चला जाए, ठीक महसूस हो रहा है? तबीयत ठीक है ना दादी? ठीक लग रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? कमजोरी लगने लगा तुमको? जलेबी खाओगी? गर्मा गर्म छना हुआ जलेबी खाने का मजा ही कुछ और है। अभी घर जाके ब्रश करके फटाफट जलेबी मारेंगे। सुबह से मैंने एक कप कॉफ़ी नहीं पिया है, आपको पता है। आया हूँ उसके बाद से पीछे भी लगा हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा रहा था, जो वायर का प्रॉब्लम था ना कनेक्शन का, तो अलग अलग फेज में भी सब कुछ कनेक्ट करवाया हूँ। नाउ आई विल हैव अ गुड ब्लैक कॉफ़ी एंड देन आई विल स्टार्ट माय डे। देखिए ये बिल्ली हमारे घर में सीढ़ी गेट चेयर के अंदर बैठी है और उसने मुझे देख लिया है कि मैंने उसको देख लिया है। दादी मत जो, अभी देखो क्या करती है, देखो भाग रही है उधर पूजा रूम। भागी। जिधर जाए उधर आदमी। उसको जगह ही नहीं मिल रहा था कि वो भागे किधर। देखते हैं, मुंबई में बिल्ली आपसे नहीं डरती है, मगर बिहार में बिल्ली की फटती है हमसे। छाता कहाँ है? छाता। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और दादी का खाने के बाद का टेस्ट कराने के लिए अभी मैं लेके जा रहा हूँ। बाहर देखिए कितना तगड़ा वाला धूप है। छाता लेके जा रहा हूँ, मैं दादी को बोल रहा हूँ कि उसको यहीं बुला देता हूँ, तुम्हारा खून कलेक्ट कर लेगा, बट शी वॉन्ट टू वॉक। दादी को ऐसे में छाते में कवर करके ले चल रहा हूँ। ये अब दादी मेरी नहीं, बेटी है, माथा पे चल रही है। कोई दिक्कत हो रहा है माता जी? ठीक से चल रही है ना? सेवा हम अच्छे से कर रहे हैं ना? दादी का ऐसा नेचर है, अरे उसको मैं फोन कर देता वो आके घर से लेकर जाता, लेकिन इसको इस दोपहर में वॉक करना है। चलो नाली अच्छे से क्रॉस करो, रुको पकड़ता हूँ। ठीक है, कोई समस्या? कमजोरी? कमजोरी तो है ये कि समस्या। घर तक पहुँच जाओगी ना? हाँ। कि उठा के ले जाना पड़ेगा ना? स्ट्रॉन्ग है ना दादी? जय जवान जय किसान, पहुँच गए हम बोलबम। क्या दादी? अरे तुमको हंसाने के लिए मैं करते रहता हूँ, बढ़िया से क्रॉस करिए। सुबह में मैं मस्त गरम गरम जलेबी लाके जो खाया, 6-6 जलेबी मैंने अपने अंदर डाल लिए। उसके बाद तो ना मैंने ब्रेकफास्ट किया है ना कुछ, मतलब भूख ही मर गई, खत्म सब कुछ। अब जाके दोपहर में मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, रोटी जो मम्मी ने प्यार से बनाया फास्टिंग में रहने के बाद भी, और सब्जी। और मेरे कल जाने की तैयारी मम्मी कर रही है इस तरह से नमकीन काट के। माँ सिर्फ निमकी बना रही है और भी कुछ? मारेंगे ना, एक तो की बनाने नहीं दिया, दूसरा।
अरे अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग बनाते बनाते ही सारा दिन गुजार दोगे, उससे अच्छा ना कि साथ में वक्त गुजारे। अभी मैं, मम्मी, दादी, हम तीनों बैठ के आराम से मस्त साथ में वक्त बिता रहे हैं। अभी थोड़ा लगी है मम्मी, मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए मुझे को, कुछ नहीं लेके जाने का मेरे को। वाह दादी, थैंक यू सो मच इस कड़कड़ कचौड़ी के लिए दादी। तो अभी एक कड़कड़ कचौड़ी जाने से पहले इसका थोड़ा नाश्ता हो जाए। बस यहीं से लेके जाता है, पता नहीं अब बस भी इधर से आएंगे जाएंगे। इतना सारा सामान लेके आ रहे हैं, सब कल ट्रेन के जर्नी में काम आएगा। आज पूरे दिन में बस एक बार कॉफी पिया हूँ, तो अभी कॉफी पीने की तलब हो रही थी, पर दूध नहीं है तो जा रहा हूँ, पहले दूध लेके आऊंगा, उसके बाद मस्त बढ़िया गर्म कॉफी बना के पीऊंगा। कहाँ देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? चालू हो गया फिल्टर? हाँ। तो अभी तो टाइम लगेगा इसको रिफाइन होने में। पहले कितना पुराना होगा दादी? अरे हम बदली है। बदली हो तुम? गर्मी का आलम है और आज पानी देने आया ही नहीं, तो आज अभी हमारे पास तो पानी खत्म हो गया है, तो नीचे आया हूँ फुआ के फ्लैट में, इनके पास आरओ लगा हुआ है, तो आरओ का पानी भर के ऊपर ले जाता हूँ, अदरवाइज वी डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। रुको तो नीचे रख दो, हटो। फिल्टर यहाँ लगा है और ये ऑल द वे नीचे यहाँ पे हम लोग छान रहे हैं। तो देखते ही देखते टाइम अब हो चुका है 8:30 हो चुका है और अभी मैंने खाना खाया है, तब दिमाग चलना शुरू हुआ है मेरा। तो अभी मैं अपने सामान वगैरह को थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, जितना भी सब कुछ है एक बार फिक्स कर लेते हैं क्योंकि कल सुबह की ट्रेन है। बट एक बैड न्यूज है, एक बार सामान को मैं फिक्स कर लेता हूँ उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। कांड हो गया है, कांड। तो गाइस पैकिंग वैकिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। एक छोटा सा अपडेट जो मैंने आपको बताया था कि एक दुख खबरी है, वो ये है कि हमारा सीट कंफर्म नहीं हुआ है। पापा ने बुकिंग कराया था जब मैं मुंबई से यहाँ आ रहा था ना, उससे भी पहले, और तब RAC में बुक किया था और वो टिकट अभी भी RAC में ही रह गया। इतनी भीड़ जा रही है मुंबई के लिए और ख़ास करके जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं उस ट्रेन में, कि RAC टिकट RAC ही रह गई। तो मेरे और दो पापा को मिला करके एक सीट हुई है। देखते हैं अगर ट्रेन में कोई नहीं ट्रैवल करेगा और हमें लकली सीट मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कॉम्प्रोमाइज़ करके जाना पड़ेगा। शाम को जब पापा ने बताया कि चार्ट प्रिपेयर्ड का मैसेज आ गया है और सीट RAC ही रह गई है, तो मूड बड़ा ऑफ हो गया था, लगा कि यार क्या करूँ, जाऊं ना जाऊं। तो फिलहाल अब मैं सोने जा रहा हूं क्योंकि कल सुबह 4:30 बजे तक उठ जाना है और 6 बजे तक स्टेशन जाना है। ट्रेन कितने बजे की है पापा? 7:45। तो स्टेशन पे 7:45 से पहले पहुंचना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। सारा सामान मैंने पैक कर लिया है, एक मेरा ये बैग है, अपना लैपटॉप मैंने इसके अंदर रखा है, सारा चीज, सब लैपटॉप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, कैमरा वैमरा सब इसके अंदर आ गया। तो अब क्या है, मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग में कल ट्रेन में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, लव लव, भारत माता की जय। गया का सफर यहाँ समाप्त होता है।